हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में किए गए अमेंडमेंट के बाद और व्हाट्सएप, फेसबुक समेत सारे सोशल प्लेटफॉर्म को दिए गए 3 महीने के वक्त के बावजूद, जब व्हाट्सएप और फेसबुक समेत अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स ने उन अमेंडमेंट संबंधी रूल्स को नहीं अपनाया था, तो यह आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर भारत में बैन न लग जाए। उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अमेंडमेंट किए जाने के बाद हमें और आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि फेसबुक और व्हाट्सएप समेत किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट को पोस्ट करें और ना ही शेयर करें। किसी आपत्तिजनक कंटेंट को पोस्ट करना और शेयर करना दोनों ही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं लिंक लगा दूंगा, आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी रूल्स बदले गए हैं, उनकी मैंने विस्तार से चर्चा की है और यह भी बताया है कि क्यों आपको फेसबुक, व्हाट्सएप समेत किसी भी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट को पोस्ट या शेयर नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो को बनाने का कारण यह है कि मैं एक बार फिर से आप लोगों को सतर्क कर दूं कि किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को पोस्ट ना करें और ना ही शेयर करें। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सामने आया, जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। रेगुलर बिल के संबंध में यह मामला ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सामने आया था, जिसका डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस केस में पूरा मामला यह था कि भागलपुर का रहने वाला एक 20 वर्षीय छात्र, जिसका नाम जावेद था, उसने हिंदू देवी देवताओं के संबंध में एक आपत्तिजनक कंटेंट को फेसबुक पे शेयर किया था। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि उसने हिंदू देवी देवताओं के संबंध में एक आपत्तिजनक कंटेंट को सिर्फ शेयर किया था। वह उस पोस्ट का ओरिजिनेटर नहीं था, यानी कि उसने उस पोस्ट को नहीं बनाया था और न ही अपने अकाउंट से पोस्ट किया था, बल्कि सिर्फ शेयर किया था। इसके बाद जावेद पर सेक्शन 153A और सेक्शन 294 इंडियन पिनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 67 एंड 67A के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया और लोअर कोर्ट से भी उसका बेल जो था वह रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सामने यह मामला आया रिगार्डिंग रेगुलर बेल। हालांकि उसके उम्र को देखते हुए और इस बात पर गौर करते हुए कि उसने जो आपत्तिजनक कंटेंट था उसे सिर्फ शेयर किया था, ही वॉज नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ दैट पोस्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। जावेद को ऑनरेबल कोर्ट से बेल तो मिल गया है, लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है और धीरे धीरे सख्ती जो है वह और बढ़ती जाएगी, और इसलिए यह बहुत ज़रूरी है हम और आप किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को नहीं पोस्ट करें और ना ही शेयर करें। और ख़ास करके अब जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किए गए अमेंडमेंट और नए रूल्स फुल फ्लेज में लागू हो चुके हैं, धीरे धीरे व्हाट्सएप, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडियाज भी उन रूल्स को फॉलो करने लगी है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस अमेंडमेंट से आपत्ति भी है एंड दे आर सेइंग दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कर्ब द राइट ऑफ स्पीच ऑफ जनरल पीपल। यहां तक कि इंटरनेशनल अरेना में भी भारत सरकार के द्वारा किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन अमेंडमेंट्स की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझें कि गवर्नमेंट जो है वह आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, दैट कैन बी अ डिबेटेबल टॉपिक। यहां तक कि इंटरनेशनल अरेना में भी चर्चा जो चल रही है इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ वो चलती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे और आपके लिए समझने वाली बात इतनी सी है कि वी शुड नॉट शेयर एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन फेसबुक, व्हाट्सअप और एनी अदर सोशल मीडिया, नहीं तो हम बड़े भारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और जावेद अख्तर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो यह मामला है, यह क्लियर इंडिकेशन है कि सरकार जो है वह सोशल मीडिया पर अपनी शक्ति बढ़ा रही है और कुछ भी सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट करना हमारे और आपके लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए हमारे और आपके लिए अब यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि किसी भी तरह का आपत्तिजनक कंटेंट जो है वह सोशल मीडिया पर ना ही हम पोस्ट करें और ना ही किसी ने पोस्ट किया है तो उसको शेयर करें।
आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।